हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम जिस शहर के बारे में बात करने वाले हैं, उस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस शहर में कई सारे झील, झरने व तालाब मौजूद हैं। दोस्तों, अब तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि हम भोपाल शहर के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य की राजधानी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस शहर की स्थापना परमार राजा भोज ने की थी, जिस वजह से इसे भोज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। परमार राजाओं के बाद भोपाल पर अफगान राजाओं का कब्जा हो गया। महारानी कमलापति महाराजा निजाम शाह की पत्नी थी। जब निजाम शाह की मौत हो गई, तब महारानी कमलापति ने ही राज्य का कारभार संभाला था। यह शहर अचानक तब चर्चा में आया था जब यूएसए की कंपनी यूनियन कार्बाइड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। आवागमन के दृष्टिकोण से भोपाल शहर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग के द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। इस शहर के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 69 और नेशनल हाईवे संख्या 86 गुजरती है, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के कई बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। इसके अलावा कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भोपाल शहर का मुख्य बस अड्डा है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर दो, रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो भोपाल शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम भोपाल जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड BPL है। और भोपाल जंक्शन में 6 प्लेटफॉर्म का 9 ट्रैक मौजूद है। और रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन की भोपाल डिवीजन के ही अंतर्गत आता है। भोपाल जंक्शन के माध्यम से पुष्पक एक्सप्रेस, बीकानेर एक्सप्रेस, रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस जैसी कई तमाम रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। नंबर तीन, वायु मार्ग। राजा भोज हवाई अड्डा शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह भोपाल शहर का मुख्य हवाई अड्डा है, जहां से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता आदि बड़े शहरों तक वायु मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। लगभग 2772 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले भोपाल शहर की कुल आबादी 23,68,000 है। दोस्तों, भोपाल शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। भोपाल शहर में कई से घूमने के स्थान है, जहां पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। नंबर एक, ताजुल मस्जिद। यह मस्जिद भोपाल शहर के बीचों बीच में स्थित है, और यह मस्जिद सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक माना जाता है। इस विशाल मस्जिद का निर्माण भोपाल के 8वीं शासिका शहजादी सिकंदर बेगम के शासनकाल में शुरू हुआ था। ताजुल मस्जिद भोपाल के खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है, जहां पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। नंबर दो, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। भोपाल के अरेरा पहाड़ी पर 5 दशक पूर्व स्थापित बिड़ा मंदिर वर्षों से धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मंदिर में भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की प्रतिमा मौजूद है। करीब 7 से 8 एकड़ की पहाड़ी के क्षेत्रफल में इस मंदिर की चर्चा प्रसिद्धि भारत के विख्यात मंदिरों में से की जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण 1964 में शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा संपन्न हुआ था। नंबर तीन, शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक शहर के अरेरा हिल के इलाके में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त 2016 को किया गया था। यह स्मारक 12 एकड़ की क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस पार्क के रूप में विकसित भी किया गया है, और पाकिस्तान और चीन से युद्ध के संबंधित प्रदर्शनियां यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि भोपाल शहर के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल टुडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।